हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैसेंथरी ने हम पार्टी को पटना महानगर को संगठनात्मक मजबूती को लेकर पटना महानगर संगठन प्रभारी के तौर पर हरेंद्र श्रीवास्तव के साथ बैठक की है। वैसेंथरी ने कहा है कि पटना महानगर में वार्ड स्तर पर पार्टी की संगठन को और मजबूत किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मजबूती को लेकर रणनीति बनाई गई, पटना महानगर से जुड़े पार्टी नेताओं के साथ बैठक की गई और इस बैठक के दौरान पार्टी के हित में कई निर्णय लिया गया। आज जो हम लोग है पटना महानगर क्षेत्र में हमारे 75 वार्ड हैं, हमने ग्रासरूट लेवल पर काम करने का काम शुरू कर दिया है और 75 वार्ड में हमारे जो अध्यक्ष हैं महानगर के इम्तियाज अंसारी जी और उनके प्रभारी हमारे श्रीवास्तव जी हैं, वो सब मिल करके वो लोगों को जोड़ रहे हैं। और जब 75 वार्ड में हम चाहते हैं कि एक कमिटी हिंदुस्तानी इमाम रोगी कल्याण समिति की बैठक तारापुर में आयोजित की गई। चार नए सदस्यों को उनके कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में जानकारी दी गई। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह बनाए गए नए सचिव। रोगी के परिजनों को बैठने के लिए सेट बनाने एवं कुर्सी तथा जीवन रक्षक दवा जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उसे उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। दिन दहाड़े पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके खिलाफ सड़क जाम कर दिया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ किया गया, माहौल तनावपूर्ण था, भारी आक्रोश का इजहार किया गया। यह खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। इस घटना के बाद यहां भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। समस्तीपुर जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया माधुरी देवी की पति को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। घटना समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग पंचायत का है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा पर अपराधियों ने आज ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के पवनी पंचायत के रामाडीह गांव में मुखिया चंदन कुमार सिंह के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ जफर इमाम एवं सीओ अमित कुमार कर रहे थे। ग्राम रामाडीह में मेरे द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जमुहार गोपाल मेडिकल कॉलेज के विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क जाँच किया गया। इसमें हमारे पंचायत के करीब 1000 लोगों ने निःशुल्क जांच करवाया और विभिन्न लोगों का इलाज किया गया। रोहतास जिला के डेहरी में CBSE के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद से परीक्षा में कम अंक मिलने पर डेहरी के सनबीम पब्लिक स्कूल के छात्रों ने आज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाया, हंगामा किया, स्कूल प्रशासन के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। जो बच्चा स्कूल नहीं आया है उसका प्रैक्टिकल में 20-20 नंबर चढ़ाया गया है और हम लोग लॉकडाउन में स्कूल आते थे, फिर भी हम लोग का 15-16 ऐसे नंबर क्यों चढ़ाया गया है। और जो स्कूल का मुंह नहीं देखा साल साल भर उसको टॉप मारा है 90% और सारा टीचर का बेटा टॉप मारा है और एग्जाम हमारा भी हुआ था उस बेस पे रिजल्ट बने ना, रीचेक कराइए कॉपी। अगर सर कुछ नहीं दोषी कौन है इसमें? स्कूल का सारा टीचर सारा बीम पब्लिक स्कूल है ना, CBSE का बिना गाइडलाइन के पालन किया गया एग्जाम लिया है। जनवरी में एग्जाम लिया है प्री बोर्ड का, जब लेना था मार्च में तो प्री बोर्ड का एग्जाम। अरे यहाँ टीचर का ही लड़का तेज है पढ़ने में सर, हम लोग पढ़ते नहीं है, जितना टीचर का लड़का उसी सबका नंबर अच्छा है, हम लोग अकेले नंबर अच्छा आया है। मधेपुरा में नगर परिषद के 26 में से 22 पार्षदों ने आज उनके ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक में भाग लिया। मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद की कुर्सी आज सुधा कुमारी के हाथ से चली गई। मधेपुरा नगर परिषद के 26 में से 22 पार्षदों ने आज उनके ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक में भाग लिया। मुख्य पार्षद सदन का सामना करने के लिए उपस्थित नहीं हुई, उनके साथ 3 अन्य पार्षद भी बैठक में अनुपस्थित रहे। खबर रोहतास जिला से है, जहां करगढ़ थाना क्षेत्र के भामनी गांव में धर्मावती पहाड़ी नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत की घटना हुई है। मृतका राधिका कुमारी के रूप में पहचानी गई है, जो धनजी कुमार की पुत्री बताई गई है। नदी किनारे खेल रही थी, इसी दौरान वे हादसे के शिकार हो गई। मोतिहारी DM ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, सहायक तकनीकी प्रबंधन को और बेहतर किया जा सकता है। 15 चयनित सहायक तकनीकी प्रबंधकों को आज नियोजन पत्र दिया गया। सफल 40 इनपुट डीलरों को DM ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर यहाँ DM सभा को संबोधित कर रहे थे। देश व दुनिया में मशहूर एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आस्था केंद्र मोतिहारी जिले का केसरिया बौद्ध स्तूप इन दिनों अपनी दुर्दशा की व्यथा बयां कर रहा है। झाड़ झंखार एवं जलजमाव की समस्याओं से केसरिया बौद्ध स्तूप को निजात दिलाने की फिक्र न तो जिला प्रशासन को है और न ही पर्यटन विभाग को है, जनप्रतिनिधियों को भी इसकी फिक्र नहीं है, लिहाजा यह उपेक्षा का शिकार है।
आपको बता दें कि इस स्थान पर हर साल प्रशासन सरकार स्तर पर केसरिया महोत्सव का आयोजन कर रहा है, शेष दायित्वों को भूल जाता है। कोरोना काल में महोत्सव के बहाने होने वाली साफ सफाई से भी बौद्ध स्तूप वंचित रह गया। राष्ट्रीय जनता दल के समस्तीपुर जिला के प्रभारी एवं राजद के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर विनोद यादव ने कर्पूरी आश्रम स्थित जिला राजद कार्यालय परिसर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर देश में जाति एवं जनगणना करने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने तथा मंडल आयोग की सभी अनुशंसा को लागू करने की मांग की गई। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जिला राजद समस्तीपुर के तत्वाधान में 7 अगस्त 2021 को दिन के 11 बजे से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा तथा पुतला दहन कार्यक्रम भी किए जाएंगे। 7 अगस्त का हमारा कार्यक्रम है डीएम के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन का। उसके बाद अपने मुद्दों से संबंधित हम एक मेमोरेंडम हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर डीएम को देगा, जो कि डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री तक हमारा मेमोरेंडम 3 सूत्री मांगों के लिए लेकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के यहाँ जाएगा कि जातीय जनगणना हो, आरक्षण में जो बैकलॉग हो उसकी व्यवस्था पूरा करने की हो, और तीसरा जो मंडल कमीशन की अनुशंसाएँ हैं उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए। बंदरा में महेश राय को राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें आज बधाई दी गई। विधायक निरंजन राय के द्वारा उन्हें नियोजन पत्र सौंपा गया। लगातार बारिश की वजह से सैदपुर में जलजमाव उत्पन्न हो गया है। सड़क से लोगों का गुजरना मुश्किल होता जा रहा है, राहगीरों में परेशानी है, लगातार लोग यहाँ घटना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन दर्जनों की संख्या में यहाँ लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। जर्जर सड़क पर जलजमाव की वजह से यातायात प्रभावित हो रही है, छोटी छोटी गाड़ियों का निकलना यहां से मुश्किल हो गया है, खासकर पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को भी इस सड़क से गुजरते हुए हादसे का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी है और कल्याणपुर के अंचल अधिकारी के खिलाफ भी नाराजगी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ भी लोग नाराज हैं। इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक और सांसद से कई बार किया गया, इस मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर लगातार लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं।